चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं, प्रश्नावली 8.4 का। कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कास स्क्वायर 17 और कास स्क्वायर 73 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इस साइन स्क्वायर 63 को चेंज करेंगे या साइन स्क्वायर 27 को 90 पर चेंज करेंगे, और इसमें दोनों में से किसी एक को 90 पर चेंज करेंगे तभी मान आएगा। ठीक है, क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि इसका एक साइन होगा एक कास होगा, 90 पर इसीलिए चेंज करेंगे कि एक साइन और एक कास हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का सर्वसमिका बन जाएगा सूत्र। ठीक, चलिए चेंज करते हैं इसको, इसको चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 27 डिग्री। देखिए साइन इस 63 को क्या लिख सकते हैं, 90 में से 27 घटाएंगे तो क्या आएगा 63। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, या तो इसको चेंज करेंगे या फिर इसको चेंज करेंगे, इसका मान होगा कॉस स्क्वायर, इसी को चेंज कर देते हैं 90 माइनस, इसका मान होगा 90 में से क्या घटेंगे 73। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। क्लियर, साइन 90 पर क्या होता है चेंज होता है, तो साइन का हो जाता है कॉस, क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 27, या थीटा की जगह पर क्या है 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में, इसका मान होगा साइन स्क्वायर चेंज होगा तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान इधर या इधर कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, इसका मान क्या होगा एक, इसका मान क्या होगा एक बटे में साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका भी मान क्या होगा, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा एक, आंसर क्या आएगा एक। इन दोनों में से किसी एक को क्या कर लेंगे हम लोग 90 पर चेंज कर लेंगे और आसानी तरह से निकाल लेंगे। तो चलिए इसी में का क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, चलिए तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में का दूसरा करते हैं। दिया है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 और साइन 65, इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे 90 पर, देखिए इसमें साइन को चेंज करेंगे तो इसमें कॉस को चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं साइन 25 डिग्री, इसको चेंज करेंगे साइन 90 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65, ठीक है, इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक, प्लस इसमें होगा इसको कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस इसको 90 माइनस 65 लिख सकते हैं। ठीक, 90 माइनस 65 इस कॉस को लिख सकते हैं, कॉस 25 को इंटू साइन 65 डिग्री। क्लियर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा की जगह 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा इंटू साइन थीटा की जगह 65 है तो 65 लिख लेंगे। ठीक है, कॉस 65 और कॉस 65 तो इसका मान होगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन तो साइन स्क्वायर 65। अब जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, ये सर्वसमिका है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, चलते क्वेश्चन नंबर चौथा की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर चार में दिया है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प की क्या करिए पुष्टि करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया है चौथे में का कि 9 साइन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो भाई इसको हल करते हैं, इसमें 9 दोनों में है तो 9 कॉमन हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इसमें दोनों में 9 है तो 9 कॉमन कर लेंगे 9, आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है 1, ये क्या है सर्वसमिका है, इसका मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही है, तो इसका विकल्प नंबर दूसरा सही है। ठीक है, विकल्प नंबर दूसरा सही, चलिए इसी में का दूसरा करते हैं, चलिए तो चौथा में का दूसरा करते हैं। दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दूसरे क्वेश्चन में 1 प्लस काट माइनस कोसेक थीटा, तो चलिए करते हैं 1 प्लस टेन को साइन थीटा बटे में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 1 अपन सेक को कॉस थीटा लिख सकते हैं 1 अपन, क्लियर, दूसरे वाले में 1 प्लस
काट को लिख सकते हैं कास्ट थीटा बटे में साइन थीटा, कोसेक थीटा को वन अपान साइन थीटा लिख सकते हैं। इतना बात तो क्लियर है। देखिए ये टेन थीटा को साइन थीटा बटे में कास्ट थीटा, सेक को वन अपान कास्ट थीटा, काट को कास्ट थीटा बटे में साइन थीटा, और कोसेक थीटा को वन अपान साइन थीटा। इतना बात क्लियर है। देखिए इसके बटे में हम एक मान सकते हैं दोनों के, ठीक है। अब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कास, क्या होगा कास हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा प्लस कास से कास कैंसिल तो बच गया साइन थीटा, प्लस यहाँ भी कास से कास कैंसिल तो वन। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है। इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा तो वन से वन साइन, तो क्या होगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो बचेगा कास थीटा माइनस वन। क्लियर, इतना बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ देखिए साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा दिया है, यहाँ साइन थीटा प्लस कास थीटा दिया है, यहाँ प्लस का वन यहाँ माइनस का वन, बात ये दोनों एक ही है। देखिए कास थीटा लिखिए साइन थीटा या पहले लिखिए या कास थीटा पहले लिखिए, बात दोनों एक ही है। चलिए बदल लेते हैं, यहाँ हम पहले साइन को कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा प्लस वन, और नीचे हो जाएगा कास थीटा। इतना बात तो सही है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसको चेंज नहीं करेंगे, बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यह साइन थीटा और प्लस कास थीटा को ए मान लेंगे, इसको वन को बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और वन को बी मान लेंगे। देखिए अगर आप जानते होंगे कि ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा ए और ये भी ए, ये वन बी तो यहाँ बी, देखिए ए ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हो रहा है, तो इसका मान हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा प्लस का कास थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस यहाँ वन का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। कास का और साइन का गुणा हो जाए तो साइन थीटा इंट कास थीटा, क्लियर। चलिए तो इस साइन थीटा प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं, तो होता है ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कास थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कास थीटा और माइनस वन, और नीचे होगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। आइए यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इसका मान होता है एक, ठीक, प्लस टू साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू होता है कास थीटा, क्लियर, और माइनस वन बटा बच गया साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू हो गया कास थीटा। देखिए वन से वन क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि एक प्लस एक क्या है माइनस, ऊपर बच गया टू साइन थीटा इंटू कास थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा खत्म हो गया, बच गया दो, यही क्या हो जाएगा आंसर, विकल्प नंबर तीसरा सही, कौन सा तीस का तीसरा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरा करते हैं, क्या दिया है, दिया है सेक ए प्लस टेन ए, दूसरे वाले क्वेश्चन में वन माइनस साइन ए, तो चलिए इसको हल करते हैं कौन सा विकल्प सही होता है निकालते हैं। सेक को सेक ए को क्या लिख सकते हैं, वन अपन कॉस ए, सेक ए को वन अपन कॉस ए लिख सकते हैं प्लस इसको साइन ए और बटे में कास ए, टेन ए को साइन ए बटे में कास ए लिख सकते हैं, वन माइनस साइन ए तो ठीक है, ठीक। यहाँ दोनों कास ए है, तो इसको ऊपर वाला क्या है, अगर बेस बराबर है तो ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, तो जोड़ है तो जोड़ लेंगे बटे में कास ए, यहाँ क्लियर होना चाहिए। साइन ए दोनों का एलसीएम क्या है, तो कास से कास कैंसिल तो वन प्लस साइन ए, ठीक है।
यहाँ कास से कास कैंसिल तो साइन है, यहाँ पे होगा वन माइनस साइन ए। देखिए वन प्लस साइन है, यहाँ वन माइनस साइन है, दोनों क्या होगा वर्गांतर पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक दूसरे वाले में ए माइनस बी, तो इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से देखिए, ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसी प्रकार यहाँ ए प्लस बी और यहाँ ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर ए। वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कास स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है वन, तो यहाँ से साइन का मान क्या करेंगे निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए, इधर प्लस वन है तो इधर लेंगे तो माइनस वन, इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए, अब दोनों में क्या करेंगे माइनस से भाग देंगे, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए तो बराबर हो जाएगा क्या कास स्क्वायर ए। इतना बात क्लियर है, कैसे आया पता चल गया होगा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग कास स्क्वायर ए बटे में कास ए। देखिए कास स्क्वायर बटे में कास स्क्वायर ए क्या होगा कास ए, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर इसी में का चौथे में का चौथा करते हैं, कहाँ यार डी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा का चौथा करते हैं। दिया है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में वन प्लस काट स्क्वायर ए, इसको हल कर कर कौन सा विकल्प सही होता है इसको निकालेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है वन, ठीक है। तो इसको उधर भेज देते हैं, देखिए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू ये वन अब प्लस टेन स्क्वायर ए, यही मान क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए। देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो वन प्लस टेन की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बटे में वन प्लस काट स्क्वायर। देखिए कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है वन, देखिए कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा वन प्लस ये वाला माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए वन प्लस काट स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ वन प्लस काट स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए, क्लियर। इतना बात ठीक है, देखिए अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं वन अपान कास स्क्वायर ए और बटे में इसको लिख सकते हैं कोसेक को साइन स्क्वायर ए, वन बटे में साइन स्क्वायर ए, अब इसका ऊपर गुणा और इसके नीचे, तो साइन स्क्वायर ए बटे में इसका नीचे गुणा होगा तो क्या होगा कास स्क्वायर ए, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे में कास स्क्वायर ए का मान होता है टेन स्क्वायर ए। आशा करता हूँ कि आपको ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।